वेलकम बैक टू लर्न विद शालिमा। माय नेम इज शालिमा और आप देख रहे हैं लर्न विद शालिमा। गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हमेशा की तरह एक बहुत ही ज़बरदस्त सा वीडियो, एक बहुत ही ज़बरदस्त सा लेसन जो आपको हेल्प करने वाला है आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को। सो गाइस, इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले जो वर्ड्स हैं, वोकैबुलरीज हैं, वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन वोकैबुलरीज को कैसे यूज़ करते हैं, इनका हिंदी में मीनिंग क्या होता है और सेंटेंसेस में इन्हें कैसे फ्रेम करते हैं। सो गाइस, बिगिन करते हैं अपने इस लेसन को। और इसमें मैंने केवल 20 वर्ड्स लिखे हुए हैं बोर्ड पे। मैं आपको बताने वाली हूँ इनका मीनिंग क्या है और आप इन्हें सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर बिगिनिंग दिस क्लास गाइज, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है टाइम पे मिले। और अगर आपको लेसन समझ में आए, अच्छा लगे, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड है वो है डोमिनेट। डोमिनेट मीन्स है हावी हो जाना। इसका अगर इंग्लिश में सेंटेंस बनाना हो तो हम कुछ इस प्रकार बनाएंगे, शी ट्राइज टू डोमिनेट मी। इसका मतलब ये है कि वो मुझ पर हावी होने की कोशिश कर रही है। ऑलराइट, दूसरा वर्ड है रिलायबल। रिलायबल वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है और इसको हम लोग यूज करते हैं बहुत ज्यादा, और इसका मतलब होता है भरोसेमंद या फिर विश्वसनीय। तो विश्वसनीय लिख रही हूं मैं, विश्वसनीय या फिर भरोसेमंद। अगर इसका कोई सेंटेंस बनाएगा इस, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? इसका सेंटेंस इस तरह से बन सकता है कि वो एक विश्वसनीय इंसान है या फिर वो एक भरोसेमंद इंसान नहीं है। ही इज नॉट अ रिलायबल पर्सन। इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गिल्टी। और गिल्टी का जो हिंदी मीनिंग है, इसका मतलब है अपराधी या फिर दोषी। दोषी या फिर अपराधी। यू आर फीलिंग गिल्टी। यू आर फीलिंग गिल्टी, ऑलराइट, कि तुम दोषी फील कर रहे हो, तुम अपराधी फील कर रहे हो। इस तरह से आप इस सेंटेंस को, इस वर्ड को सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। सो गाइज, नेक्स्ट वर्ड हमारा है ऑफुल। ऑफुल भी बहुत अच्छा वर्ड है और इसको हम लोग यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। और ऑफुल का जो मतलब होता है वो होता है भयानक। इसको हम बना सकते हैं व्हाट वाज एन ऑफुल ईयर ऑफ 2020, कि जो 2020 साल था वो बहुत ही ज्यादा भयानक था। था ना भयानक, इसलिए इस पे एक ये सेंटेंस। सो नेक्स्ट हमारा है वर्ड रेफ्यूज। रेफ्यूज मींस होता है किसी चीज को मना कर देना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक, बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाना किसी चीज़ को लेकर। तो गाइज, जब कोई नई मूवी आती है तो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं उस मूवी को देखने के लिए। तो क्यूरियस वर्ड जो है वो है उत्सुक। ही इज़ क्यूरियस अबाउट अ न्यू मूवी। ठीक है, इस तरह से आप इसका सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है प्रिटेंड। प्रिटेंड मीन्स होता है बहाने बनाना, बहाना बनाना या फिर दिखावा करना। इसको हम अपने सेंटेंस में कैसे करेंगे? डोंट प्रिटेंड टू बी नाइस टू मी, कि मुझे दिखावा मत करो नाइस, अच्छे बनने का। इस तरह से हम इसको कुछ यूज करेंगे। गाइस, नेक्स्ट वर्ड हमारा है मैरिली। और मैरिली का मतलब होता है महज या फिर केवल। तो महज या फिर केवल के लिए हम मैरिली का यूज कर सकते हैं। महज या फिर केवल, दोनों में से किसी एक के लिए यूज कर सकते हैं मैरिली। मैरिली कि हम, ये केवल एक झूठ था या फिर ये केवल एक जोक था। महज ये फिर एक जोक था। इस तरह के कुछ सेंटेंसेस जब हम बनाएंगे तो इस मैरिली का यूज करेंगे। तो हम इस सेंटेंस को इस तरह से बनाएंगे, मैरिली इट वॉज अ जोक। इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिसाइज। प्रिसाइज वर्ड आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। अगर आप कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं तो वहाँ पे प्रिसाइज वर्ड का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है गाइज। और प्रिसाइज मीन्स होता है किसी चीज़ को निश्चित करना। सो गाइज, प्रिसाइज मतलब कोई चीज़ सटीक या फिर कोई चीज़ निश्चित। जब आपकी कोई भी डेट फिक्स ना हो या कोई टाइम फिक्स ना हो तो वहाँ पे आप इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं द डेट इज़ नॉट प्रिसाइज येट, जो डेट है अभी तक निश्चित नहीं हुई है। इस तरह से आप इसको अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फॉरबिड।
और फॉरबिड मीन्स होता है मना करना, मना करना या फिर किसी चीज के लिए रोकना। तो फॉरबिड का अगर हम सेंटेंस बनाए तो किस तरह से बना सकते हैं, फॉरबिड टू गो देयर, उसने वहां जाने के लिए मना किया। ही फॉरबिड टू गो आउट, उसने बाहर जाने के लिए मना किया। तो इस तरह से हम फॉरबिड का यूज कर सकते हैं गाइज। जो नेक्स्ट वर्ड्स हमारे पास हैं वो कुछ बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप सीख रहे हैं इन वर्ड्स से, तो आप डेफिनेटली वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बॉसी। बॉसी वर्ड हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आम बोलचाल में। तो बॉसी का मतलब होता है जो अपनी धौस जमाता है दूसरों पर, या फिर अपने आप को समझता है कि मैं बेहतर हूँ और मैं ही सारा काम करवा सकता हूँ। अगर हम इसका सेंटेंस बनाएं तो इस तरह से बना सकते हैं, शी इज़ अ काइंड ऑफ बॉसी गर्ल। जो लड़की है वो बहुत ही ज़्यादा धौस जमाने वाली है, शी इज़ अ काइंड ऑफ बॉसी गर्ल और शी इज़ अ काइंड ऑफ बॉसी वुमेन। तो इस तरह से आप इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, नेक्स्ट वर्ड हमारा है स्क्रिव अप, और स्क्रिव अप का मतलब होता है गड़बड़ करना। तो गड़बड़ करने के लिए हम इस वर्ड को कैसे सेंटेंस में बोलेंगे, हम बोल सकते हैं उसने इस टाइम कुछ गड़बड़ की है। तो इसको किस तरह से बोलेंगे, इसको हम बोल सकते हैं शी स्क्रिप्ड अप एट दिस टाइम। तो इस तरह से सेंटेंस को हम इसमें यूज कर पाएंगे। अशेम्ड, नेक्स्ट वर्ड है अशेम्ड, और अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदगी। ठीक है, शर्मिंदा होना या फिर शर्मिंदगी या फिर लज्जा, इस तरह से कोई भी आप इसका हिंदी मीनिंग निकाल सकते हैं अशेम्ड। और आप इसको बोल सकते हैं ही शुड फील अशेम्ड ऑन हिमसेल्फ। तो इस तरह से आप इसको अपने सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैथेटिक। सो गाइज, नेक्स्ट वर्ड हमारा है पैथेटिक, और पैथेटिक का मतलब होता है कुछ भी दयनीय, मतलब कुछ भी जो दयनीय हो उसके लिए हम पैथेटिक वर्ड का यूज कर सकते हैं। और पैथेटिक को हम अपने सेंटेंस में इस तरह से बोल सकते हैं कि उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा दयनीय है। ठीक है, तो दैनी के पैथेटिक, तो हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे, हम बोल सकते हैं हर कंडीशन इज़ वेरी पैथेटिक, हर कंडीशन इज़ वेरी पैथेटिक। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनफ। इनफ मीन्स होता है काफ़ी। हम लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं इट्स इनफ नाउ, अब बहुत हो गया, काफ़ी है इतना, इट्स इनफ। तो इनफ मीन्स होता है काफी। सो गाइज, नेक्स्ट हमारा है मैन्यूपुलेट। मैन्यूपुलेट मीन्स होता है चालाकी से अपना काम निकलवाना। ठीक है, किस तरह से आप लोगों को मैन्यूपुलेट करते हैं, अपनी उंगलियों के इशारों पे नचाते हैं। अगर इसको अपने सेंटेंस में बनाए तो गाइज कैसे बनाएंगे, सेंटेंस में बना सकते हैं कि वो चालाकी से लोगों को मैन्यूपुलेट कर लेती है। ठीक है, तो हम कैसे इसको सेंटेंस में बोलेंगे इंग्लिश में, शी नोज हाउ टू मैन्यूपुलेट द पीपल्स। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मीन्स होता है हटके या फिर कुछ अपवाद। ठीक है, तो हटके तो हम बोलेंगे एक्सेप्शन, हटके एक्सेप्शन। तो हम बोल सकते हैं शी इज एन एक्सेप्शनल केस और एक्सेप्शन केस। ठीक है, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इमिटेट। इमिटेट मीन्स होता है नकल करना, किसी नकल करना, वो मेरी नकल कर रही है, शी इज इमिटेटिंग मी, वो मेरी नकल कर रही है, शी इज इमिटेटिंग मी। तो इमिटेट मीन्स होता है नकल करना। नेक्स्ट वर्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है गाइज, हाइपोक्रिट। हाइपोक्रिट मीन्स होता है पाखंडी। हम बोलेंगे हिंदी में कि कुछ लोग पाखंडी होते हैं इस दुनिया में, तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सम पीपल्स आर हाइपोक्रिट इन दिस वर्ल्ड। नेक्स्ट वर्ड है क्लम्जी। क्लम्जी मीन्स होता है बेढंगा या फिर बेढंगी, और अगर सेंटेंस में बनाना हो तो बोलेंगे शी इज क्लम्जी, शी इज अ क्लम्जी गर्ल, शी इज अ क्लम्जी बॉय, ही इज अ क्लम्जी बॉय, शी इज अ क्लम्जी गर्ल। वो एक बेढंगा लड़का है, वो एक बेढंगी लड़की है। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस को हम अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वर्ड्स हैं। आप अगर इनका यूज करेंगे तो कुछ एडवांस लेवल की इंग्लिश को बोल पाएंगे, क्योंकि ये सारे ही वर्ड आपने सुने होंगे, नेटिव स्पीकर्स इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और अगर आप स्पीच वगैरह इंग्लिश की सुनते हैं तो आप उसमें भी पाएंगे इन वर्ड्स को लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं गाइज। तो इसका यूज़ ज़रूर करें, और इससे आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको कोई भी वर्ड पसंद आया हो, तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, उसका सेंटेंस बनाएँ।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके इन सभी वर्ड्स का मीनिंग प्रॉपर वे में। और आप इसको लाइक ज़रूर करिए अगर आपको पसंद आया है सेशन। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए लेसन के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।